गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं के यादव आज आपके सामने जो है मैं टेक्सटाइल बुक का जो है एक फाइबर लेकर के आया हूँ आपके सामने, जिसे हम लोग कहते हैं कॉटन। लाइक दैट हम कहेंगे कॉटन जो है सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो है क्या है जो है फाइबर है, और यहाँ तक कि महत्वपूर्ण भी है, हम कहेंगे जो है कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो है इसको यूज भी किया जाता है, इसलिए हम लोग कहेंगे जो है कि इसे जो है सर्वव्यापी रेशा भी कहा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं जो है कपास कॉटन। देखिए हम लोग का टॉपिक है आज का जो है कॉटन। लाइक दैट हम कहेंगे कॉटन का जो है जो इतिहास है बहुत ही पुराना है जो है, मीन्स हम कहेंगे कि इसका इतिहास इतना पुराना है कि लाइक दैट कुछ लोग कहते हैं कि इसकी खोज यूनानियों ने की, और कुछ लोग कहते हैं जो है कि इसका खोज जो है हमारे भारत में जो है क्रिश्चियनों ने किया, लेकिन ज़्यादातर जो है ये अंग्रेजों ने किया। लेकिन यही कहा जाएगा कि इसकी खोज हुई जो है तो यूनानियों के द्वारा ही हुई, यहाँ तक कि जो है भारत में इसकी खोज हुई जो है। तो हम कहें कॉटन की खोज जो है कहाँ पर हुई थी, तो कॉटन की खोज जो है कहाँ हुई थी, भारत में। पहला स्टेप हम लोग लिखते हैं जो है कपास की खोज, कपास की खोज, कपास की खोज भारत, मीन्स हम कहेंगे कि भारत ही जो है कॉटन की उत्पत्ति का जन्मदाता माना जाता है जो है। तो यहाँ पर देखें जो है कि ये कपास हमारा भारत में इसकी उत्पत्ति हुई, लेकिन इसे बोला जाता है कि सभी रेशों में जो है विश्वव्यापी रेशा या सर्वव्यापी रेशा जो है किसे कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे कॉटन को। मीन्स हमारा दूसरे स्टेप के तहत लेते हैं जो है सर्वव्यापी रेशा, सर्वव्यापी रेशा, मीन्स कॉटन को हम लोग कहेंगे सर्वव्यापी रेशा, मीन्स ये सभी जगह पाया जाता है जो है, पूरे वर्ल्ड में हमारा कॉटन पाया जाता है। जो इसका इतिहास है जो है हम कहेंगे इसका इतिहास जो है लगभग जो है 5000 ईसा पूर्व तक का है जो है। तो देखते हैं हम लोग को जो हमारे जो है लाइटर चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं जो आती हैं जो है, हम लोग उसी का जो है ज़्यादातर अध्ययन करेंगे जो है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कॉटन हमारा एक सेलुलोजिक रेशा है, जो किस तरह का रेशा है जो है देखते हैं। कॉटन हमारा कॉटन सेलुलोजिक रेशा है, सेलुलोजिक रेशा। अब सेलुलोजिक के तहत हम कहेंगे सेलुलोज का बना है जो है, हम कहेंगे सेलुलोज किसका बना है, या हम कहेंगे कॉटन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है जो है, हम कहें कॉटन की सबसे छोटी इकाई जो है ग्लूकोज होती है। तो यहाँ पर देखते हैं जो है कि, और इसको हम लोग बोल सकते हैं जो है कि कॉटन हमारा कॉटन की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज। कॉटन की सबसे छोटी इकाई को हम लोग जो है ग्लूकोज कहते हैं जो है। अब यहाँ पर देखिए हमारा ग्लूकोज, हम कहेंगे कई ग्लूकोज आपस में जो है मिल करके क्या बनाते हैं जो है, हम कहेंगे सेलुलोज बनाते हैं या सेलुलोजिक फाइबर बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो सेलुलोज है हम कहेंगे वनस्पति फाइबर है, कॉटन हमारा क्या है जो है। अब यहाँ के तहत हम लोग ले सकते हैं जो है फिफ्थ पॉइंट में कि कॉटन वनस्पति फाइबर है, वनस्पति फाइबर है, वनस्पति फाइबर है। अब देखिए कॉटन हमारा कितने पॉइंट हम लोग को मिल रहे हैं जो है कि कॉटन हमारा वनस्पति फाइबर है, कॉटन हमारा सेलुलोजिक फाइबर है, फिर हम कहेंगे कॉटन हमारा जो है क्या है सर्वव्यापी फाइबर है जो है, फिर कपास की खोज कहाँ हुई थी, भारत में हुई थी जो है। तो आइए हम लोग देखते हैं जो है कि सबसे अच्छा कपास कौन होता है जो है। यहाँ देखिए फिफ्थ के बाद हमारा सिक्स स्टेप देखते हैं जो है, सबसे अच्छा कपास, सबसे अच्छा कपास, सबसे अच्छा कपास, सबसे अच्छे कपास को हम लोग कहते हैं उसका नाम है पीमा कपास। क्या बोलेंगे हम लोग, पीमा कपास, पीमा कपास।
ये कहाँ का कपास है? हम कहेंगे ये अमेरिका का है, अमेरिका मीन्स हम कहेंगे कि अमेरिका में सबसे अच्छा कपास पाया जाता है जो है। तो इस तरह से जो सबसे अच्छा कपास है जो है, उस सबसे अच्छे कपास का नाम हम लोग कहेंगे पीमा कपास होता है। आइए देखते हैं कि विश्व में कौन सी ऐसी कपास की जो है खेती की जाती है जो है, जो सबसे अधिक की जाती है जो है। तो हम कहेंगे विश्व में सबसे अधिक अपलैंड कपास की खेती की जाती है। अपलैंड कपास की खेती की जाती है। अब इस तरीके से हमें मालूम हो गया कि विश्व में सबसे अधिक खेती किसी की जाती है, अपलैंड कपास की जाती है जो है। आइए हम लोग देखते हैं जो है कि ये हमारा वनस्पति फाइबर है, तो वनस्पति के किस भाग से कॉटन प्राप्त होता है जो है। तो ये अगले स्टेप में हम लोग देखते हैं जो है, बीज के खोल से कपास फाइबर प्राप्त किया जाता है। देखिए हम लोग कहेंगे जो है कि बीज के खोल से कपास फाइबर प्राप्त किया जाता है। आइए हम लोग को इस तरह से हम लोग देखें जो है, तो क्वेश्चन पैटर्न हमारे पास जो है 7-8 कॉटन संबंधी जो है क्वेश्चन पैटर्न हमको मिल चुके हैं जो है। तो यहाँ पर हम लोग देखें जो है कि अगला हम लोग का जिससे होता है जो है कि कपास का जो है प्रकार, कपास कितने प्रकार का होता है देखते हैं, टाइप्स ऑफ कॉटन। कपास के प्रकार हम लोग कहें कपास 4 प्रकार का होता है। कपास कितने प्रकार का होता है? कपास 4 प्रकार का होता है। तो आइए देखते हैं, पहला एशियाई कपास, दूसरा मिश्री कपास, पीमा कपास, जॉर्जिया कपास। देखिए ये हम लोग का जो है कपास का सिस्टम है कि कपास हमारे जो है 4 प्रकार के होते हैं। हम कहेंगे एशियाई कपास, मिश्री कपास, पीमा कपास और जॉर्जिया कपास। तो लाइक दैट हम कहेंगे कि हमारा जो एशियाई कपास है ये कहाँ पाया जाता है जो है, हम कहेंगे एशियाई देशों से प्राप्त होता है। लाइक दैट हम कहेंगे भारत के कपास का क्या नाम है जो है, तो हम कहें एशियाई कपास जो है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन। देखिए यहां से हमारे भारत के जो कपास पाए जाते हैं, भारत की कपास को हम लोग बोलेंगे एशियाई कपास। पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, श्रीलंका के और चाइना के हम कहेंगे कपास जो हमारे एशियाई कपास होते हैं। जबकि देखिए जो है मिश्री कपास, मिस्र देश में पाया जाता है, मिस्र
देश, मिस्र देश से जो कपास हमको प्राप्त होता है उसे हम लोग जो है मिस्री कपास कहते हैं। जो है पीमा कपास, देखिए हम लोग को मालूम है सबसे अच्छा कपास हमारा पीमा कपास कहाँ से पाया जाता है, अमेरिका से, अमेरिका से। और हम कहेंगे जॉर्जिया कपास जो है समुद्री तटों से, समुद्री, समुद्री तटों से। अब देखिए समुद्री तटों से हम लोग को जो है पाया जाता है जो है जॉर्जिया कपास। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया जो है कि ये कपास हमारे जो एशियाई, मिस्री, पीमा और जॉर्जिया, लाइक दैट हम कहेंगे कि पूरे विश्व से जो कपास पाया जाता है जो है उसे हम लोग बोलते हैं, नोट पॉइंट देखते हैं जो है, नोट पॉइंट, विश्व में सभी जगहों पर, विश्व में सभी जगहों पर अपलैंड कपास पाई जाती है, अपलैंड कपास पाई जाती है। इस तरह देखिए हम लोग को मालूम हो गया कि विश्व में जो है सभी जगहों पर, लाइक दैट यहाँ पर देश की बातें थी जो है कि सभी देशों के तहत जो हमारे कपास के नाम थे, लेकिन विश्व में एक ऐसी भी कपास पाई जाती है जो है जिसे हम लोग कहते हैं कि विश्व में सभी जगहों पर पाई जाती है, इसलिए उसका कॉमन नाम रखा गया है जो है, उसे क्या हम लोग बोलते हैं, अपलैंड कपास बोलते हैं जो है। देखिए कपास का उत्पादन, हम लोग कहेंगे कपास का उत्पादन मीन्स कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, मीन्स कल्टीवेशन मीन्स हम लोग कहेंगे कि कपास की खेती की जाती है जो है, कल्टीवेशन, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। अब हम कहेंगे कि इसी खेती कैसी की जाएगी, कहाँ पर की जाती है जो है, हम कहेंगे जलवायु कैसा होना चाहिए, भूमि कैसी होनी चाहिए जो है, कितने दिन में हमारा कॉटन का पौधा जो है मैच्योर हो जाता है, तैयार हो जाता है, जिससे हम लोग जो है कि कॉटन फाइबर जो है प्राप्त करें जो है। तो इस तरीके से हम लोग देखें जो है तो यहाँ पर एट फर्स्ट हम लोग लेते हैं जो है, क्या लेते हैं जो है, जलवायु लेते हैं जो है कि किस तरह की जलवायु में होता है जो है। पहला स्टेप हम लोग देखते हैं जलवायु। अब हम कहेंगे कि जलवायु कैसी होनी चाहिए, समशीतोष्ण, समशीतोष्ण मीन्स हम कहेंगे ना ज्यादा गर्मी हो और ना ज्यादा ठंडी हो जो है, मीन्स हम कहेंगे जो है कि ये हमारा जो है गर्मी जो जा रही हो और ठंड आ रही हो उस समय की सीजन को हम लोग जो है जिसे बोलते हैं जो है कि ये समय हमारा जो है बहुत ही अच्छा समय होता है जो है, तो उस समय को हम लोग बोलते हैं समशीतोष्ण, मीन्स कुछ गर्मी रहेगी और कुछ ठंडी रहेगी जो है, तो हम कहेंगे इसका समशीतोष्ण जो है। मिट्टी की बात देखते हैं जो है, मिट्टी हम कहें इसकी मिट्टी काली होगी, मीन्स कॉटन की खेती के लिए जो मिट्टी हमारी चाहिए जो है वो काले रंग की होनी चाहिए जो है, अगर काली नहीं तो हम लोग क्या करेंगे उस मिट्टी को काली मिट्टी बना सकते हैं जो है, लाइक दैट जो हम लोग साल्ट और हम कहेंगे गोबर का प्रयोग करके जो है मिट्टी को हम लोग काली बना सकते हैं जो है। तो लाइक दैट देखते हैं जो है कि कितने दिन में हमारा जो है ये कॉटन का पौधा तैयार होता है जो है, और इसकी बुआई कब की जाती है भी हम लोग देखते हैं जो है कि इसकी बुआई, बुआई देखिए कॉटन की हम लोग कहेंगे कॉटन की जो बुआई होती है वो अप्रैल में होती है, अप्रैल से मई, अप्रैल और मई में जो कॉटन की क्या होती है, बुआई होती है जो है। तो आइए हम लोग देखते हैं जो है कि कॉटन की जो बुआई होती है तो उसके लिए हमको सीड चाहिए जो है, तो कॉटन के सीड को हम लोग क्या बोलेंगे जो है, चौथा कॉटन का बीज, कॉटन का बीज, कॉटन के बीज को हम लोग बिनौला बोलते हैं,
बिनौला, बिनौला। देखिए कॉटन का बीज हमारा क्या बोला जाता है, जो है कॉटन का बीज हमारा बिनौला बोला जाता है जो है। तो लाइक दैट जो हम लोग अप्रैल मई में क्या करते हैं जो है कॉटन के जो है बीज मीन्स बिनौले को जो है हम लोग क्या करते हैं जो है एक लाइन में जो है इसको जो है बोया जाता है जो है डिपिंग की जाती है जो है। लाइक दैट जो हम कहें कि कितने दिन में पौधा हमारा तैयार होगा जो है, पांचवा स्टेज, परिपक्व समय हम कहेंगे 200 दिन, 200 दिन। देखिए 200 दिन लगेगा जो है, 200 दिन में जो है हमें क्या करता है जो है कॉटन का पौधा पूर्ण रूप से जो है तैयार हो जाता है जो है। जब तवा तैयार हो जाता है तो इसके तहत हम लोग क्या करते हैं जो है, हम लोग जो है इसमें देखते हैं फ्लावर देखते हैं, फूल देखते हैं जो है, उस फूलों के अनुरूप जो हमें मालूम हो जाता है कि हमारे जो है कॉटन के जो पौधे हैं जो है इसमें जो फल लगे हुए हैं वो फल तैयार हो गए हैं जो है, वो भी हमारे मैच्योर हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि जो कॉटन का फल होता है जो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो कॉटन का फल, कॉटन का फल। अब कॉटन के फल को हम लोग जो है ढोड़ बोलते हैं, ढोड़। कॉटन के फल को ढोड़ कहा जाता है, इंग्लिश में कॉटन बॉल बोलते हैं, कॉटन बॉल। मीन्स देखिए कॉटन का फल हमारा क्या बोला जाता है, ढोड़ बोलते हैं जो है, जिसे हम लोग कहते हैं कॉटन बाल होता है जो है। लाइक दैट जो हम लोग क्या करेंगे जो है, अब यहाँ पर इसको हम लोग देखते हैं जो है कि ढोड़, ढोड़ के तहत हम लोग को जो है देखना है कि ढोड़ की लंबाई कितनी होती है, ढोड़ की चौड़ाई कितनी होती है, एक ढोड़ में जो है हमारे कितने जो है कॉटन फाइबर होते हैं। तो लाइक दैट जो हम लोग जो है अपना स्टेप अगला लेते हैं जो है, ढोड़ कॉटन बाल, ढोड़ कॉटन बाल। देखिए कॉटन बाल के तहत हम लोग कहते हैं कि इसकी लंबाई, लंबाई 1.5 इंच होती है, जबकि हम लोग कहेंगे इसकी चौड़ाई 1 इंच होती है। अब इसमें हम लोग देखते हैं जो है कि इसमें जो है हमारे क्या होते हैं जो है, अब इस कॉटन बाल में हमारा जो है कॉटन फाइबर और ढोड़ होता है जो है। मीन्स हम कहेंगे ढोड़ में, ढोड़ में बिनौला, बिनौला प्लस कॉटन फाइबर, कॉटन रेशा पाया जाता है। अब देखिए हम लोग कहेंगे इस ढोड़ में हमारा जो है दो चीजें पाया गया जो है, बिनौला पाया गया और कॉटन रेशा पाया गया जो है। तब इसे हम लोग कहेंगे कि इस ढोड़ में हमारा बिनौला भी है और कॉटन फाइबर है जो है, तो इनको हम लोग कैसे क्या करेंगे, कैसे अलग किया जाएगा जो है। तो हम कहेंगे जो है कि इनको हम लोग क्या करते हैं जो है, एट फर्स्ट पिकिंग करते हैं जो है, ब्रेकिंग करते हैं, तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं जो है, हम कहेंगे फाइबर निकालें या कॉटन रेशा निकालने की विधि के तहत हम लोग जो है देखते हैं जो है कि कुल मिला करके यहाँ पर जो है तीन विधियाँ होती हैं जो है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं जो है कॉटन बॉल से जो है कॉटन फाइबर और बिनौले को बाहर निकाला जाता है जो। तो आइए हम लोग देखते हैं जो है, ढोड़ से बिनौला और रेशा निकालने की विधि, निकालने की विधि। ढोर से बिनौला और कॉटन रेशा निकालने की विधि। आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कुल मिलाकर के तीन विधियां होती हैं जो, कितनी विधि होंगी, कुल तीन विधियां होती हैं जो है। पहले के तहत हम लोग कहेंगे सलाई और ओटनी विधि,
सलाई एवं ओटनी विधि सलाई एवं ओटनी विधि। दूसरा हम कहते हैं हाथ विधि, हाथ विधि। तीसरा हम लोग कहते हैं पीकर मशीन विधि, पीकर मशीन विधि। अब देखिए हम लोग कहेंगे जो है कि फाइबर निकालने की सबसे पुरानी विधि कॉटन फाइबर, हम कहेंगे फाइबर निकालने की रेशा निकालने की कि सबसे पुरानी विधि, सबसे पुरानी, सबसे पुरानी विधि, सबसे पुरानी विधि। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाथ विधि, फिर हमारा पीकर मशीन विधि जो है। तो आइए हम लोग देखते हैं सलाई और ओटनी विधि जो है, हम कहेंगे सलाई और ओटनी विधि है क्या जो है। तो हम कहेंगे जो है आइए देखते हैं, ये सलाई, हम कहेंगे सलाई एक तरीके का चौका होता है और ओटनी हमारी, ओटनी ये हमारा बेलन होता है, बेलन। अब देखिए हम लोग कहेंगे चौके पर जो है हम क्या करेंगे जो है कॉटन बाल को रख करके जो है हम ओटनी या बेलन द्वारा क्या करेंगे जो है घर्षण प्रक्रिया द्वारा जो है हम क्या करेंगे फाइबर और सीट को अलग करेंगे जो है। तो हम कहेंगे कि जो ओटनी की प्रक्रिया होती है छिद्रयुक्त होती है या कांटेदार होती है जो है। कांटेदार हम कहेंगे जो है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं जो है कांटेदार होती है जो है, ऐसे हम कहेंगे कि घर्षण प्रक्रिया द्वारा, घर्षण, घर्षण प्रक्रिया द्वारा। घर्षण प्रक्रिया द्वारा रेशा और बिनौला अलग किया जाता है, अलग किया जाता है। अब देखिए हम लोग को मालूम है जो है कि सीड हेयर होते हैं जो क्या होते हैं, मीन्स हम कहें कि बिनौला पर जो है क्या होते हैं फाइबर लिपटे होते हैं जो है, जिसे हम क्या करेंगे चौका पर रख करके जो है हाथ में जो है ओटनी को ले करके घर्षण प्रक्रिया, मीन्स जैसे रोटी बेली जाती है उस तरीके से हम लोग क्या करेंगे घर्षण प्रक्रिया करके जो है क्या करेंगे जो है रेशे को और हम कहें कि बिनौले को जो है अलग किया जाता है जो है। आइए हम लोग दूसरा देखते हैं अपना हाथ विधि, हाथ विधि, हाथ विधि। हाथ विधि के तहत हम लोग कहेंगे जो है कि हाथों से जो है बीज और रेशे को पकड़ करके जो है खींच खींच करके जो है निकाला जाता है जो है, मीन्स हम कहेंगे जो है कि इसको हम कहेंगे कि स्ट्रेचेबल विधि भी बोला जाता है जो है, मीन्स ड्रॉबिंग के द्वारा किया जाता है, ड्रॉबिंग मेथड भी बोलते हैं इसको, ड्रॉबिंग, ड्रॉबिंग मेथड, ड्रॉबिंग मेथड। मीन्स खींच करके जो हाथ विधि, मीन्स ड्रॉविंग मेथड, मीन्स हाथों से खींच करके जो है क्या किया जाता है जो है हाथों से खींच कर हाथों से रेशे को खींच कर अलग किया जाता है, खींच कर अलग किया जाता है, अलग किया जाता है। लाइक दैट देखते हैं हम लोग जो मशीन विधि जो है पीकर मशीन, तीसरा हम लोग का स्टेप मिलता है पीकर मशीन, पीकर मशीन। इसे हम लोग आधुनिक विधि भी बोलते हैं जो है, आधुनिक विधि, आधुनिक विधि, आधुनिक विधि।
अब देखिए पीकर मशीन द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं जो है कि आधुनिक कहेंगे मशीन है, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं पूरे कॉटन बाल को जो है क्या करेंगे ले जा करके इस मशीन में डाल देते हैं जो है। अब मशीन क्या करती है जो है कि सभी रेशों को जो है अपने साथ ले लेती है, अब बाकी हम कहेंगे जो बिनौला होता है जो है उसको बाहर निकाल देती है जो है। तो आधुनिक समय में मीन्स औद्योगिक स्तर पर या बड़े पैमाने पर जो है किस विधि का प्रयोग किया जा रहा है, आधुनिक विधि का प्रयोग किया जा रहा है, मीन्स हम कहेंगे बड़े पैमाने पर जो है, बड़े पैमाने पर जो है फाइबर जो है हमारा आधुनिक मशीन या पीकर मशीन द्वारा निकाला जा रहा है जो है। तो आइए इसके साथ ही हम लोग देखते हैं जो है कि हमारा यहाँ पर जो है जो कॉटन निर्माण की प्रक्रिया होती है जो है, अब उसे हम लोग देखेंगे जो है कि कॉटन निर्माण की प्रक्रिया क्या है जो है, कैसे कॉटन का जो है हम लोग कहें कॉटन फाइबर को जो है प्राप्त किया जाता है जो है। तो लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे कि कॉटन निर्माण के तहत जो है हमारा एट फर्स्ट हम लोग कहेंगे कि हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया की जाती है जो है। इसके बाद हम कहेंगे कि पहले तो हमारा कल्टीवेशन होगा, दूसरा हम कहेंगे हार्वेस्टिंग होगा, या हम कहेंगे उसको ब्रेकिंग भी कह सकते हैं कि ब्रेकिंग होगा। इसके बाद ब्रेकिंग के बाद हम क्या कहेंगे स्ट्रक्चिंग बोलते हैं, स्ट्रक्चिंग जो है मीन्स उसको पीट पीट करके जो है क्या करने अलग किया जाता है जो है। लाइक दैट जो है हम लोग जो है अपने अगले वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे जो है कॉटन की निर्माण प्रक्रिया जो है। चलिए अब आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं जो है, क्योंकि हम लोग का ये पूरा का पूरा जो है कॉटन का संपूर्ण जो है प्रक्रिया इसमें होगी, आई कम से कम एक घंटे आपका लेगा जो है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे जो है आज की क्लास अपना हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और कल के लिए हम लोग जो है प्रिपेयर होकर के आते हैं अच्छे से जो है कॉटन प्रोसेस, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका जो है लाइक दैट यहाँ से जो है हमेशा आया है जो, और हमेशा आता भी रहता है जो है। ठीक है, ओके।